नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कब से, पूरा इतिहास बताने जा रहा हूँ। 1997 से पहले एक हुआ करता था श्री प्रकाश शुक्ला। मैं श्री प्रकाश शुक्ला का भी पूरा व्याख्या करूँगा, ब्रजेश सिंह यानी ठाकुर ब्रजेश सिंह का भी व्याख्या करूँगा, मुन्ना बजरंगी का भी व्याख्या करूँगा। और जैसे कि फिलहाल जो घटनाक्रम आई है कानपुर से कि 8 पुलिस कर्मी शहीद हो गए, 4 जख्मी हैं और एक की हालत बहुत गंभीर है। यानी योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा कि या तो उत्तर प्रदेश से गुंडा बाहर भाग जाते हैं, बदमाश बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि गुंडा राज नहीं चलेगा, यह डायलॉग कहाँ चला गया। मैं आपको बता दूँ, यह इत्तेफाक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि साल दो साल पहले आपने देखा होगा एक पुलिस इंस्पेक्टर की सरेआम हत्या हो जाती है सुबोध कुमार सिंह, और जो मारने वाले होते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में माफिया राज काफ़ी दिनों से रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 1997 से पहले की घटना है, गाजियाबाद में उसे इनकाउंटर कर दिया गया। श्री प्रकाश शुक्ला का जो ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, जहां से उसने बदमाशी की शुरुआत की थी, बिहार के मोकामा से, मोकामा टाल में वो ट्रेनिंग लिया करता था। श्री प्रकाश शुक्ला काफ़ी माना हुआ गैंगस्टर था, वो किसी को छोड़ता ही नहीं था, जिसकी सुपारी लेता था उसका काम फतह कर देता था। अब सामने आए हैं विकास दुबे, जिन्होंने हॉस्पिटल में जाकर कैबिनेट स्तर के मंत्री को मार गिराया। और आज की घटना जो है कि जब विकास दुबे को दबिश देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जाती है वहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो पहुँचती है उससे पहले उसको कैसे पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है। उससे पहले वो JCB का मशीन लगाकर, गाड़ी लगाकर वहाँ पर रुकावटें पैदा करता है, जो छत के ऊपर जाकर पोजीशन ले लेता है और इस तरह से फायरिंग करता है अंधेरे का सहारा लेकर, क्योंकि पुलिस वाले जो थे वो लाइट में थे, और 8 पुलिस कर्मी को शहीद कर देता है, 4 जो है जख्मी हो जाते हैं, सबकी हालत नाजुक बनी हुई है। रही बात ये, पुलिस समझ ही नहीं पाई कि पहले से इनको कैसे पता था कि हम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से विकास दुबे का पुलिस प्रशासन में कोई न कोई कनेक्शन है, जहाँ से उसको खबरें मिलती है। ऐसे में बता दूं कि विकास दुबे की जो पत्नी है ऋचा दुबे, वह पंचायत चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे लड़ी थी। बहुत सारे पोस्टर देखे गए हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी का फोटो लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ी है। विकास दुबे का राजनीतिक स्तर इतना बड़ा है, कहा जाता है BJP के बड़े बड़े नेताओं से उसका कनेक्शन है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो छोटे मोटे अपराधी को इनकाउंटर करके खानापूर्ति कर दी जा रही है। विकास दुबे के साथ जो मुठभेड़ होता है, उस मुठभेड़ में 2 अपराधी भी मारे जाते हैं, और वो अपराधी कोई मोस्ट वांटेड नहीं थे, केवल पुलिस ने खानापूर्ति की है, इस बात को दबाने की कोशिश हो रही है। श्री प्रकाश शुक्ला के बाद जो यूपी का सत्ता संभाला, यानी अपराध का सत्ता, उसमें ठाकुर ब्रजेश सिंह का नाम आया। वही ठाकुर ब्रजेश सिंह जिन्होंने सूरज देव सिंह कोल माफिया का मर्डर किया था धनबाद में जाकर। और रही बात ये कि पूर्वांचल के मुन्ना बजरंगी, ये भी बहुत बड़े गैंगस्टर रह चुके हैं, और ये जो है मतलब पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिए गए। रही बात ये, उत्तर प्रदेश में माफिया राज रहा है 2007 से लेकर 2012 तक, जब तक मायावती जी का जो है शासनकाल रहा, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, ये रिकॉर्ड में देखने को मिला है। उससे पहले भी जो है माफिया राज था उत्तर प्रदेश में, और 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी माफिया राज रहा है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में तो पूरी तरह से माफियाओं को छूट मिल गई है। उत्तर प्रदेश का सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासन अभी कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि हाथ से मामला फिसल चुका है, और जितनी बड़ी घटना हो गई है ऐसा ही लग रहा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है।
मैं आपको आगे की खबर में बताता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अचानक लेह पहुँच गए और यह मैसेज पूरी दुनिया को बड़ा कड़क मैसेज गया है। जितने भी डिप्लोमेटिक है, जो कूटनीति वाले लोग हैं, वो सबके सब कह रहे हैं यह प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा कदम है। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का प्लान था जाने का और उनको साइड करके प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं। ये कोई न कोई बहुत बड़ा जो है योजना का हिस्सा हो सकता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी कुछ नेताओं ने कहा कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी लेह गई थी तो पाकिस्तान का दो टुकड़ा हो गया था, अब हमारे प्रधानमंत्री जी लेह गए हैं, अब इसके आगे क्या होगा जरूर बताएं। हमने पूरा भाषण देखा, उन्होंने जो सैन्य कर्मी हैं उसको संबोधित किया, जो घायल हमारे सैनिक हैं उनसे जाकर वो मिले और मिलने के क्रम में शाबाशी दी, प्रणाम किया और साफ साफ कहा पूरा देश का आपके ऊपर भरोसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री का लेह में जाना यानी जंग के मैदान में जाना एक बहुत बड़ी बात है। चाइना के लिए यह संदेश है कि जब जंग होगी तो देश का प्रधानमंत्री जंग के मैदान में होगा और उसको वो गंभीरता से ले। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वो बहुत कुछ चाइना के हाथ बेचने वाली है। जैसे कि आपका हिमालय का जो हिस्सा है उसमें यूरेनियम की खान जो है बेच रही है नेपाल चाइना के हाथ। वहाँ पर जो आम जनता है उसमें आक्रोश है, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री लेह में जाकर यह क्लियर कर दिया कि चाइना से हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये केवल 59 ऐप का मामला नहीं है, बहुत कुछ हम बंद करेंगे, पूरे देश का आपके ऊपर भरोसा है। आप जिस तरह से वीरता दिखाए हैं पूरा देश आपके ऊपर गर्व कर रहा है, पूरी दुनिया में आपकी चर्चा है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह कूटनीति का हिस्सा है, कहीं ऐसा ना हो कि मिसाइल घूमे चाइना की तरफ और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा हो जाए, क्योंकि हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री सरप्राइज करते हैं, अचानक ही कुछ करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं एक दिन ये भी पता लग जाएगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है कब्जे में आ गया। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट खबरें लेकर आते रहेंगे और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।